Hey my loves, welcome back to the channel. I hope you guys are doing great. So, आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ ये वाली मेकअप लुक. तो इसके लिए मैंने अपनी स्किन को पहले ही बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था. नेक्स्ट फॉर मॉइस्चराइजर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एल्प्स गुडनेस की सैंडलवुड जेल. ये जेल को अपनी फेस पे मसाज करने के बाद मैं अपने हाथ से मेरी फेस पे थोड़ी सी टैप टैप कर दूँगी ताकि प्रोडक्ट अपनी स्किन पे बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए. नेक्स्ट मैं अपनी आई मेकअप को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ NY बे कंसीलर इन द शेड कॉफी प्रिंसल. कंसीलर को मैं अपनी दोनों आईज पे अप्लाई करूँगी एंड एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी. कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद मैं ये शेड को लेके अपनी आईलिड पे अप्लाई करूँगी ताकि मैंने जो कोई भी कंसीलर अप्लाई किया हो वो अच्छे से सेट हो जाए. अपनी आईलिड को सेट करने के बाद मैं ये वाली शेड को लेके अपनी आउटर लिड पे अप्लाई करूँगी एंड इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करूँगी. आउटर लिड पे ये शेड को ब्लेंड करने के बाद मैं ये शेड को अपने इनर लिड की तरफ अप्लाई करूँगी एंड बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी. नेक्स्ट मैं यही सेम पैलेट में से ये गोल्डन शिमरी शेड को लेके अपनी आई लिड पे अप्लाई करूँगी एंड ये डार्क पिंक शेड को लेके अपनी इनर लिड एंड आउटर लिड पर अप्लाई करके अगेन इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी. नेक्स्ट फॉर मस्कारा मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन हाइपर कल मस्कारा. मस्कारा को अप्लाई करने के बाद मैं एक फॉल्स आईलैश के अप्लाई कर लूँगी. इसके बाद फॉर प्राइमर मैं ही यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन स्टूडियो परफेक्शन प्राइमर. ये प्राइमर बहुत अच्छे से आपके पोर्स को फिल कर देती है. फॉर फाउंडेशन मैं ही यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी फाउंडेशन इन द शेड 330 टॉफी. डॉट डॉट करके मैं फाउंडेशन को अपने पूरी फेस पे अप्लाई करूँगी. फाउंडेशन को अप्लाई करने के बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर से मैं बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड कर दूँगी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी ब्यूटी ब्लेंडर वेट हो ताकि प्रोडक्ट बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए. फाउंडेशन को ब्लेंड करने के बाद अगेन मैं यूज़ कर रही हूँ NY बे कंसीलर अपनी फेस को कंसील करने के लिए. आप आपकी पसंद की कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हो बट ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है. ये इतना अफोर्डेबल में आता है, अराउंड 200 के अंदर ये आ जाता है. तो आई रियली लाइक इट. कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद फुल फेस को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी पाउडर इन द शेड 330 टॉफी.
नेक्स्ट मैं अपनी आईब्रोज को फिल करने के लिए यह भी यूज़ कर रही हूँ नायका ब्राउ पेंसिल आई थिंक इन द शेड डार्क ब्राउन। आईब्रोज को फिल करने के बाद अपने फेस को ब्रॉन्ज करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शुगर की मिनी ब्रॉन्जर इन द शेड नंबर 02। नेक्स्ट फॉर ब्लश मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की फिट मी ब्लश आई थिंक इन द शेड रोज़ 30। ये थोड़ी सी शिमर पार्टिकल्स में आता है ये ब्लश, तो अब जब इसे अप्लाई करोगे ना तो देखोगे एक अलग ही ग्लो कर रहा है फेस। नेक्स्ट फॉर हाइलाइटर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शुगर की मिनी हाइलाइटर, ये भी इन द शेड नंबर 02। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ नायका की मॉल्टन मैट लिपस्टिक, इसका शेड नेम मैं भूल गई बट मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूँगी। लिपस्टिक को अप्लाई करने के बाद मैं ये शेड को लेके अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी एंड उसके बाद फॉर मस्कारा अगेन मैं मेबलिन की हाइपर कर्ल मस्कारा यूज़ करूँगी। नेक्स्ट मैं अपने मेकअप को सेट करने के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ निगाह के सेटिंग स्प्रे। आप आपकी पसंद की कोई भी सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हो। सेटिंग स्प्रे अप्लाई करने के बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर से हल्का हल्का डैब कर देती हूँ ताकि जो कोई भी एक्सेस प्रोडक्ट अपने फेस पे हो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए ताकि मेकअप बहुत अच्छा दिखे।